किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होशंगाबाद जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति की ब्लॉक और पंचायतवार समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अधिकारी कर्मचारियों को होशंगाबाद जिले को कोरोना से मुक्त करने के लिए संकल्प दिलवाया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने होशंगाबाद जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से ग्राम पंचायतवार कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिक संक्रमण वाली ग्राम पंचायतों के सचिव व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से चर्चा की। पटेल ने निर्देशित किया कि घर घर सर्वे कर सर्दी जुकाम व बुखार के मरीजों को चिन्हित कर मेडिकल किट का वितरण कर तत्काल इलाज शुरू करवाएं। उन्होंने कहा कि जनपद के मैदानी अमले द्वारा बाहर से आने वाले नागरिकों पर सघन निगरानी रखी जाए और उन्हें आवश्यक रूप से क्वारंटीन किया जाए। अधिक संक्रमण वाले गांव में विशेष कैंप कर मेडिकल किट वितरित की जाए। कमल पटेल ने कहा कि 5 से अधिक कोरोना प्रकरण वाले गांव और कस्बों में जिला व ब्लॉक स्तर पर मेडिकल टीम के माध्यम से विशेष कैंप आयोजित कर डोर टू डोर सर्वे एवं मेडिकल किट का वितरण किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन किया जाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा ऐसे में जन जागरूकता के साथ कड़ाई भी अति आवश्यक है। उसी समय उसका उपचार शुरू हो जाए, उसके लिए घर घर सर्वे करना जरूरी है, निरंतर नजर रखना जरूरी है और इस अभियान में आप सब लोग लगे और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। ठीक स्थिति उनकी अच्छा, आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड कितने हैं? उसमें अभी कितने भरे हुए हैं? 32 लोग अभी उसमें 3 खाली है अभी। ठीक है, और उनकी स्थिति ठीक है सर, संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।